लोग ना जाने कैसे जन्नत और दोजख जैसी अनदेखी बातों पर यकीन रखते हैं। जन्नत भला किसने देखी है, पर दोजख ये जिनकी दोजख से कम है क्या? छह साल हो गए अपने माजी से भागते हुए, आज भी ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे आसपास ही मंडला रहा है। हर लम्हा मौत बनकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। बहुत से बेगुनाह लोगों की जान जाएगी। तुम भी तो कभी इन्हीं को बचाने के लिए लड़ते थे। क्या माने रखते हैं ये लोग मेरे लिए? कारगिल की जंग, मुट्ठी भर जवानों को लिए खड़ा रहा था मैं अपनी चौकी पर, और हुकूमत के एक फैसले ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया, सब कुछ। ये मुल्क, ये हुकूमत, इसे हमारी जरूरत नहीं है। कीड़े मकोड़ों की तरह बिकते हैं ये लोग, कीड़े मकोड़ों की तरह। मगर कैप्टन, अगर मगर कुछ नहीं, तुम जानते हो तुम्हारी फैमिली मेरे कब्जे में है। तुम्हें अपने बीवी बच्चों को बचाना है या ये मामूली लोगों को, फैसला तुम्हारे हाथ में है। दो धमाके पूरी हुकूमत को हिला के रख देंगे। और वैसे भी भाई ने कहा है कि ये काम हो गया तो लाहौर इस्लामाबाद के बाद कराची पर भी मेरा राज होगा, सिर्फ मेरा राज होगा। एक बॉम्ब है बच्चों के उस स्कूल में। और दूसरा बॉम्ब है उस मस्जिद में। मुल्क में होने वाले हर बम धमाके की और उसकी लोकेशन की मुकम्मल इंफॉर्मेशन इस बैग में मौजूद है। जमाली के आदमी भी इस बैग को छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जमाली चाहता है कि वो हमारे मुकाबले पे खड़ा हो सके। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हमें पूरा करना है। कैप्टन, बहुत से लोग मारे जाएंगे, अभी भी वक्त है। हम इस मुल्क के सिपाही थे, हम बहुत कुछ कर सकते हैं इस मुल्क के लिए। कैसा मुल्क, कैसे लोग, सब कुछ पैसे की गेम है। पैसा और ताकत, यही सिखाया है इस दुनिया ने मुझे, यही सिखाया है हमारे मुल्क ने मुझे, यही सिखाया है तुम्हारे लोगों ने मुझे। लेकिन कैप्टन, बहुत से मासूम जाने जाएंगे। अभी वक्त जाया मत करो और कर्म करो। ओ खुदा, मुझे माफ करना।
सिर्फ एक टारगेट बाकी है, वो मस्जिद। जिमी, मार दो साले की फैमिली को। तुम भी अजीब हो, प्राय लोगों के लिए अपनों की कुर्बानी दे दी तुमने। अपने मजहब और मुसलमानों को बचाने के लिए मैं अपनी फैमिली की एक बार क्या, एक लाख बार कुर्बानी दे सकता हूँ। हाउ स्टूपिड। लेकिन तुम जैसे शैतान को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा मैं। कैप्टन से बचकर भाग तो गया, लेकिन इस बात से बेखबर था कि जमाली और उसके गुंडे मुझे तलाश कर रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, आसमान से गिरा गैंगस्टर्स मैट का। जमाली आपका काम हो जाएगा भाई। अब वो बैग आपके लिए कैप्टन नहीं, जमाली खुद लेकर आएगा। जिल्ले, कैप्टन का वो कुत्ता भाग गया है। कैप्टन से पहले वो बैग हमें हासिल करना है, क्योंकि कराची पे दादागिरी करने का हाँ मेरा था, मेरा। वो कहाँ छुपा है जमाली जानता है। उस कुत्ते को।